आज मैं जिस कानून की जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो किसी भी वर्किंग या कामकाजी महिला के लिए अहम है। ये कानून है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे पॉश एक्ट 2013 के नाम से भी जाना जाता है। ये कानून क्या कहता है आइए समझते हैं। किसी भी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस की गाड़ी में हो, या अगर ऑफिस के काम से आप बाहर कहीं गई हैं वहां हुआ हो, ये सब कुछ इस कानून के दायरे में आता है। वैसे कोरोना के दौर में वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है और ऐसे में अगर साइबर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो भी इस कानून के दायरे में आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट चाहे शारीरिक हो, मौखिक हो, जिसमें भद्दी टिप्पणी, सेक्सुअल फेवर की मांग हो सकती है, जिसके एवज में प्रेफरेंस देना हो, या भेदभाव की धमकी देना हो, ये सभी इस दायरे में आ जाते हैं। अब क्या ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं ही सिर्फ इस एक्ट के प्रावधान में आती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो सरकारी या निजी दफ्तरों में हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, स्टेडियम या आर्म फोर्सेस में काम करती हैं, ये सभी महिलाएं, या जो आपके घर में काम करने आती हैं वो महिलाएं भी इस एक्ट में कवर होती हैं। अब ऐसी किसी भी महिला के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आता है तो क्या प्रक्रिया होगी? कोई भी ऑफिस संस्था जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उनके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन अनिवार्य है। ऐसे में जहां 10 से कम लोग काम करते हैं या असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय कमेटी या लोकल कमेटी का गठन किया गया है, जहां ऐसी महिलाएं जाकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। महिलाएं अपनी शिकायत घटना होने के 3 महीने के अंदर लिखित में कर सकती हैं, और अगर 3 महीने के बाद करती हैं तो उन्हें कमेटी को देरी से शिकायत दर्ज कराने के लिए जायज कारण देने होंगे और कमेटी के संतुष्ट होने पर कमेटी उनकी शिकायत एक्सेप्ट कर सकती है। महिला चाहती है कि उसकी शिकायत पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो इस कानून में समझौते का भी प्रावधान है, लेकिन ये समझौता पैसे के लेन देन पर आधारित नहीं हो सकता। अगर महिला शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की मांग करती है तो इंटरनल कमेटी को अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट बनानी होगी, और जांच में अपराध साबित हो जाता है तो फिर इंटरनल कमेटी को ये कंप्लेन और अपनी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करानी होगी। जब ये पूरी जांच चल रही हो उस समय महिला या पीड़िता 3 महीने की छुट्टी या दफ्तर के किसी और शाखा में काम करने की अनुमति ले सकती है। लेकिन अगर महिला की शिकायत गलत या झूठी साबित होती है तो ऐसे में महिला पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आप अपनी शिकायत को सही साबित नहीं कर पाई तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस कानून के अंतर्गत आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल दे, इंटरनल कमेटी का गठन करे और उनके सदस्यों के बारे में जानकारी अपने स्टाफ को दे, और साथ में कानून के प्रति जागरूकता और सेंसिटाइजेशन के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवाएं। आपको बताते चले कि साल 2013 से पहले ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा केस में कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन सरकारी और निजी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया था। आप ऐसे ही किसी और कानून के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती हैं तो हमें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी से।